बहुत बहुत स्वागत। सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। हर पहलू को, इस इलेक्शन से जुड़े हर पहलू को हम आपको बता रहे हैं। ना सिर्फ पूरे जो देश भर में चुनाव चल रहा है उस पर नजर बनी हुई है, बल्कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी लगातार हम वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं कौन राजनीतिक दल इसे लेकर क्या रिएक्शन दे रहा है, किसकी उम्मीदें, किसके दावे, किसके वादे हैं, ये भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बंपर वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर 5 बजे तक की बात कर ली जाए, 62% से ज्यादा मध्य प्रदेश में मतदान हो चला है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, ये 5 बजे तक का आंकड़ा, और इसमें ये और बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में 66.87% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 72.08% वोटिंग, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बंपर वोटिंग 75.84% मतदान, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और मध्य प्रदेश के राजगढ़, एक रायगढ़ है और एक राजगढ़ है। मध्य प्रदेश का राजगढ़, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह से वोटिंग है ये हम आपको बता रहे हैं, और यह आंकड़ा निश्चित तौर पर आगे जाएगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के जो कई दूरस्थ इलाके होंगे वहां से टीम पहुंचेगी। तो बंपर वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और पिछले बार की जो स्थितियां थीं और तीसरे चरण का मतदान खत्म, अभी भी अगर कतार में लग गए होंगे तो इस आंकड़े को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे आप। तीसरे चरण का मतदान, 11 राज्यों की 93 सीट, वोटिंग खत्म। कई दिग्गजों की साख पूरे देश में दांव पर थी, कई बहुत महत्वपूर्ण सीटें इस चरण में रही। मध्य प्रदेश में भी 9 सीटों पर वोट डाले गए, बंपर वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। अब जो लाइन में लगे हैं, प्रमाइसिस में चले गए, परिसर में चले गए, वो लोग वोट डाल सकेंगे। देश भर में अब तक 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों की वोटिंग के साथ छत्तीसगढ़ का चुनाव एक तरह से नेता का चुनाव खत्म हो गया है। जनादेश क्या आया इसके लिए 4 तारीख का इंतजार करना होगा। और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है, राजगढ़ में सबसे ज्यादा। वोटिंग खत्म, लेकिन जो कतारों में लगे हैं और जो प्रिमाइसेस में परिसर में पहुंच चुके हैं उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा। रायगढ़ का हमने जिक्र किया, रायगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बंपर वोटिंग हुई है। तो ये वोटिंग की स्थितियां हैं, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से बंपर वोट पड़े हैं। देश भर की स्थितियां हमारी नजर लगातार बनी हुई थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे खास फोकस था, और ये सब हम इस वजह से आपके लिए लेकर आए ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकें। सीधे हम आपको ऋतु के पास लिए चलेंगे, वो बहुत दिव्य और भव्य तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपके लिए वोटिंग परसेंटेज लेकर आई हैं। ऋतु, ओवर टू यू। जी, वोटिंग प्रतिशत अब आपको बताएंगे हम। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हालांकि कुछ जगह पर हमने सुस्त रवैया भी मतदाताओं का देखा। कई जगह पर मतदाता सुस्त नजर आए, कहीं नाराजगी है तो कहीं पर गर्मी की वजह से, तापमान चढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं सुस्त रवैया मतदाता का देखा। एक एक करके आपको दिखाएंगे हम कि आखिर कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान अब खत्म हो चुका है, हालांकि जो लोग अब तक लाइन में लगे हुए हैं वो मतदान कर सकेंगे, पर अब नए लोग नहीं जा सकेंगे मतदान करने। अब शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर मतदान का प्रतिशत कहां कहां पर कितना रहा। बैतूल का जिक्र करते हैं, 59.63% यहां पर मतदान हुआ है। साथ ही साथ भिंड का जिक्र करें, 50.96% यहां पर मतदान हुआ है। तो ये मतदान, ये आंकड़ा, हालांकि ये और ज्यादा आगे जा सकता था, उम्मीद कई सारी थी, पर हमने कई जगह पर देखा मतदान का प्रतिशत कम रहा है। भोपाल का जिक्र कर लेते हैं, राजधानी भोपाल का 58.42% मतदान यहां पर हुआ है। गुना का जिक्र करें, 68.93% मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर यहां पर मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा यहां पर मतदान देखने को मिला है। वहीं आगे बढ़े और भी सीटों का जिक्र करें,
ग्वालियर का जिक्र कर लेते हैं, 57.86% यहां पर मतदान अब तक हुआ है। मुरैना का जिक्र करें तो यहां पर 55.25% मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में कमी बहुत सारी जगहों पर देखी भी जा रही है। गर्मी हो सकता है एक बड़ा फैक्टर हो। राजगढ़ है 72.08% यहां पर मतदान, सबसे ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। सागर का जिक्र करें तो 61.70% मतदान यहां पर हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं राजगढ़ में, उसके बाद गुना में। वहीं विदिशा का जिक्र करें यहां पर 69.20% मतदान हुआ है। सागर में 61.70% मतदान हुआ है। विदिशा में भी अच्छा मतदान देखने को मिला, कहीं कहीं पर कुछ अलग अलग तस्वीरें भी हमें देखने को मिली बहिष्कार की, हालांकि मतदान प्रतिशत यहां पर अच्छा रहा। जांजगीर का जिक्र कर लेते हैं, यहां पर 62.44% मतदान हुआ है। कोरबा का जिक्र करें 70.60% मतदान हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगह का कि आखिर कहां कहां पर कितना कितना मतदान हुआ है। रायगढ़ का जिक्र करें, रायपुर का करें, छत्तीसगढ़ की बात करें 75.84% मतदान रायगढ़ में, रायपुर में 61.25% मतदान यहां पर हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे ललित जी। बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जिस तरह से ये पूरा प्रेजेंटेशन किया है, और घोड़ों के दौड़ने की रफ्तार, उसको लेकर मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि उन्हें रफ्तार से दौड़ना होगा, और ये सब क्यों समझा रहे था कि आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझें। इसे लेकर जब हम 4 तारीख को चर्चा कर रहे होंगे तब इन सब चीज़ों का रेफरेंस आएगा। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ये तब से तैनात हैं जब से आयोग ने मॉक पोल भी नहीं किया था, यानी दिन और रात के फर्क को मिटाकर। यही वो टीम जिसे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लगातार बने रहे। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह यह है कि मध्य प्रदेश का कोई घटनाक्रम हो महल की राजनीति पर जाना ही पड़ता है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, वासु हमारे साथ बने हुए हैं, बिलासपुर से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। सवाल सबसे पहले ममता आपके पास मैं आना चाहूंगा, रायगढ़ में बंपर वोटिंग की खबर, हालांकि आंकड़े अभी बदलेंगे, और इन सबके बीच के अपडेट आपके पास ममता। बिल्कुल, देखिए शाम 5 बजे तक जो डेटा आया है उसमें ये कि ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 66.87% है, यानी कि आगे चलकर बढ़ेगा। तो करीबन के मान के चलिए कि ये वोटिंग जो है वो करीबन 75% से ऊपर जाएगी, ये माना जा सकता है मोटा मोटी। बिलासपुर में 60%, जिस तरह से बताया गया, दुर्ग 67% यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और जिस बूथ में हम मौजूद हैं आप देखिए 6 बजे के बाद में ये गेट बंद कर दिए गए हैं। और एक ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो सुबह सुबह हमने बताया था कि किस तरह से 6:45 बजे से ही लोग जो है वो कतारों में खड़े हो गए थे, जबकि 7 बजे के बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली थी। तो ऑलमोस्ट अब जो यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, मौसम काफ़ी मेहरबान था आज, जिस तरह से तेज़ धूप का मौसम है, लेकिन उसके बाद भी बदली और बादल छाए रहे, और यही वजह है कि वोटर्स को जो है वो काफ़ी राहत मिली। और ये जो बूथ है यहाँ पर खासतौर पर हमने दिखाया था कि किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया था, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी, और हमने दिखाया भी था कि हाथ फ्रैक्चर है, बहुत बुजुर्ग हैं, पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर वोट देने के लिए आए थे। इसके अलावा प्रदेश अगर हम बात करें तो दुर्ग लोकसभा की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई थी, तो वहाँ पर भी उसी तरह का उत्साह जो है वो दिखाई दिया था। ये जो बूथ है यहाँ पर, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था तो उनका कहना था कि मेरे यहाँ 76% जो है वो वोटिंग हुई है, 1100 से ज़्यादा मतदाता थे और 70% जो है वो वोटिंग हुई है। तो शायद तो उत्साह तो जरूर दिखाई दिया है, और अब जो बचे हुए लोग हैं वो भीतर जो है वो वोट दे रहे हैं। हालांकि इस तरह की स्थिति नहीं आई कि बहुत लंबी कतारें जो है वो 6 बजे के बाद भीतर लगी हुई हो, अमूमन जो विधानसभा के समय हम देखते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है। गाँव के जो लोग होते हैं वो तमाम चीज़ों के बाद में, तमाम परेशानियों के बाद में भी उनकी आस्था लोकतंत्र के प्रति बराबर बनी हुई है इस पर्व के प्रति, और यही वजह है कि वो उनकी कतारें ज्यादा दिखाई देती बनिस्पत शहर के लोगों के। जी, आपने मौसम का जिक्र कर दिया, मैं गोपालदास नीरज का जिक्र कर दूं। आपके सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, किसी पार्टी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। सुशील आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, क्या अपडेट्स, किस तरह की स्थितियां? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर में इस बार मतदान शाम 5 बजे तक करीब 57% हुआ है। 2019 में यहाँ जो मतदान हुआ था वो करीब 59.52% था, यानी इस बार अभी 1 घंटे का जो और परिणाम आना बाकी है मतदान का,
उसके मुताबिक माना जा सकता है कि पिछले जो चुनाव में 60% के करीब मतदान हुआ था, इस बार वो मतदान जो है प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन गुना की बात करें तो वहाँ मतदान अच्छा हुआ है, इसके अलावा और भी जो सीटें हैं वहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना से उम्मीदवार है वो मेरे पीछे इसी MI शिशु मंदिर मतदान केंद्र से वोट डालकर गए, और उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि इस बार जो है जनता ने जिस तरह से बाहर निकलकर वोट किया है, मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उससे एक नया सूरज उगेगा और कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है उसको इसका लाभ मिलेगा, और जो नारा देते रहे हैं उस नारे को कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर वोट परसेंटेज बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी के खेमे जरूर खुशी नजर आई है, जो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद नजर आती है। ऐसा ही ग्वालियर चंबल अंचल के और भी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर भी अच्छा मतदान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, शैलेंद्र और वासु भी आपको नजर आ रहे होंगे, इन्होंने दरअसल पूरी दौरान देखा है आपने, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई सबसे ज्यादा इन्होंने पूछा है कि क्या कहता है वोटर, तो जाहिर तौर पर सवाल भी थोड़ा सा आगे जाएगा। कविता का मैंने जिक्र किया था, इसकी एक लाइन है, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। शैलेंद्र आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या वोटर जब पहुंचा है, एक तो वोटिंग परसेंटेज का अपडेट आप दीजिएगा, वोटर जब पहुंचा है तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन की बातों के माइंडसेट के साथ पहुंचा था या उसके दिमाग में 5 साल का पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब था, अपनी सीट का आप अपडेट भी दीजिएगा शैलेंद्र। बिल्कुल, मैं इस वक्त मुरैना लोकसभा क्षेत्र में हूं और जिस मतदान केंद्र से हमने सुबह 6 बजे मॉक पोल की शुरुआत की थी उसी पर हम अब आखिरी समय मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि अब दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं और EVM जो है वो सील होना शुरू हो गई है। अगर मतदान प्रतिशत की बात करूं तो लगभग 55% मतदान जो है वो शाम 5 बजे तक का सामने आया है। अभी हालांकि 1 घंटे का जो आकलन है वो आना और बाकी है, लेकिन अगर मैं सीट की बात करूं, देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सीट से सांसद रहे हैं और उनकी जगह इस बार सुमंगल सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। अगर उसकी दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो सत्यपाल सिंह सिकरवार जो है वो कांग्रेस से, बल्कि इसके साथ ही त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर खासकर मुरैना की अगर मैं बात करूं तो यहां पिछले कई चुनावों से लगातार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए यूपी से और राजस्थान से सटा इलाका होने के चलते यहां बसपा थोड़ा दमखम दिखाती है। जिस तरीके से पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि BSP के प्रत्याशी कई बार दूसरे नंबर पर भी रहे और पिछली बार की बात करूं तो 1 से 1.25 लाख वोट जो है वो पाने में कामयाब हुए थे। तो यहाँ की जो हार जीत है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आखिर हाथी की गति किस हिसाब से रही है, शहर में वो कितना तेज चला है, गांव में उसकी आखिर क्या स्थिति रही है। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर BSP का वोटर्स हो गया है, क्योंकि देखिए कई ऐसे वोटर अगर मैं बात करूं तो BSP की तरफ से यहाँ रमेश गर्ग को पार्टी ने मैदान में उतारा था, वो वेस्टबर्ग से आते हैं और वेस्टबर्ग जो है वो परंपरागत तौर पर BJP का वोटर माना जाता है, लेकिन चूंकि इस बार वेस्टबर्ग ने प्रत्याशी दिया था, वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला था, उसके बाद वो हाथी पर सवार हुए थे। तो अब कितना वेस्टबर्ग जो है वो उनके साथ गया है, SC ST वोट जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट माना जाता है वो कितना गया, इसके साथ ही एक खास बात और, पिछले दिनों में जिस तरीके से रामनिवास रावत सहित तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे यहाँ के महापौर की बात करें, उन लोगों ने हाल ही में पार्टी को टाटा वायवाय किया था, उसका कितना फायदा अब BJP को मिला है ये देखना होगा। देखिए वोटर जो है वो यहाँ पर काफी साइलेंट नजर आ रहा है, जिससे भी बात की कोई भी खुल के बात नहीं करना चाहता है, वो यही कहना चाहता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए थे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, यानी अब ये कहे कि EVM में जो है किस्मत कैद हो गई है, 4 तारीख को फैसला होगा कि आखिर मुरैना का सरताज कौन होगा। जी ये बात आपने सही कही, ना सिर्फ साइलेंट हो गया है बल्कि इतना स्मार्ट हो गया है कि पिछले बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने प्रेडिक्शन निकालने वाले थे उनके साथ बुद्धू खेल दिया उसने। मैं वासु के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, एक बाइट हम जरा अपने दर्शकों को सुनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने शाम 5:30 बजे ग्वालियर के MI शिशु मंदिर में वोट डाला है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री निर्वाचन आयोग इनकी अपील का असर हुआ, अच्छा मतदान हुआ है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया और News 18 से उन्होंने चर्चा भी की, वो सुन लेते हैं फिर ये चर्चा जारी रहेगी। बधाई देता हूं कि अच्छा मतदान हुआ है तृतीय चरण में और ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, चुनाव आयोग ने जो अपील की थी, उसके आधार पर अच्छा मतदान हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा। 3 सीटों पर कांग्रेस कह रही है कि हवा बदल दी है। कांग्रेस तो कह रही थी पूरे प्रदेश में हवा बदल गई, अब 3 सीट। सभी को बधाई देता हूँ कि अच्छा मतदान हुआ है तृतीय चरण में और ये प्रजातंत्र छटेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा,
इसी चर्चा के साथ वासु के पास मैं आपको लिए चलता हूं। राजगढ़ में वासु है, बहुत आसान सी नजर आने वाली सीट और अचानक से वो बहुत पेचीदा हो गई। वासु, अपडेट के साथ साथ ये भी जरा डिकोड करें कि ठीक है, हार जीत का तो आगे फैसला होगा, लेकिन राजगढ़ का मामला इतना दिलचस्प हो गया, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री की वजह से, उनके राजनीतिक अस्तित्व की वजह से, लास्ट चुनाव बोलने की वजह से, और भी कई वजहों से। वासु, इन सब के बीच डिकोड करिए जरा राजगढ़। हाँ बिल्कुल ललित जी, देखिए और एक बहुत बड़ी चीज भी डिकोड करनी होगी, क्योंकि राजगढ़ वो सीट जहां पर मध्यप्रदेश में सबसे दिलचस्प मुकाबला था। वो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पर चुनाव मैदान में उतरे, पिछले चुनाव भोपाल से लड़ा था, लेकिन अब राजगढ़ में वो चुनाव लड़ने उतरे, तो उसके चलते यहां का मुकाबला निश्चित तौर पर रोचक नजर आया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, वोटिंग परसेंटेज आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग राजगढ़ में हुई है। 72% से ज्यादा लोगों ने इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही थी, सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें, इस बात को सीरियसली लिया, और इस ये आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस ओर जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात फिलहाल यह है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जमकर मतदान हुआ। 5 बजे के बाद भी लगातार हमने देखा कि जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ तो एक बार फिर से लोगों की थोड़ी भीड़ जो है वो पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। तो यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो एक फिगर आएगा उसमें और भी ज्यादा जो राइज ऑफ वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी के इस पूरे कैंपेन की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से जहां पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा था, तो वहीं कांग्रेस की से दिग्विजय सिंह और उनकी टीम जमीनी स्तर पर पूरा मोर्चा संभाले हुई नजर आई। दिग्विजय सिंह ने इंटरनल मैनेजमेंट पर या यूं कहें कि माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान दिया, वहां पर काफी एहतियात से काम उन्होंने किया है और अलग अलग सामाजिक संगठनों को, अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश उन्होंने की, 1-to-1 मार्किंग करके, पब्लिक टू पब्लिक मीटिंग करके एक उन्होंने अपना पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश की। तो यहां पर चुनाव जो है वो दिग्विजय सिंह वर्सेस बीजेपी का संगठन नजर आया। अब इसमें जीत किसकी होगी, हाँ, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी राजगढ़ की कामयाबी को जारी रख पाती है या अपने पुराने गढ़ को कांग्रेस एक बार फिर अपने खाते में नोट कराती है, ये देखने वाली जी, बात होगी। जी, बिलासपुर का रुख हमें करना होगा। न्यायधानी के तौर पर आप बिलासपुर को जानते हैं, दिग्गजों का शहर है, और उमेश आपको नजर आ रहे होंगे, वो लगातार उन्होंने तमाम इलाकों की खाक छानी है। आज अग्रवाल साहब से भी वो चर्चा कर रहे थे। तोखन बनाम कांग्रेस के देवेंद्र यादव, इस तरह का ये मुकाबला, इन सब के अलावा पहले तो क्या अपडेट आपके पास है उमेश, वो समझाएं, और क्या कुछ आज आपको नजर आया, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का जो जनादेश है वो ईवीएम में कैद हो गया है। जी उमेश। बिल्कुल ललित जी, देखिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का जो वक्त है वो बढ़ाया था, चूंकि मतदान प्रतिशत बढ़ाना था, ऐसे में 1 घंटे का जो वक्त है चुनाव आयोग ने दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता है वो वोटिंग कर सके। लेकिन देर दोपहर तक के तो ये मतदान की जो प्रक्रिया है, ये जो मतदान वोटिंग प्रतिशत है वो तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मौसम बदला और बारिश की स्थिति जैसे निर्मित हुई, उसके बाद धीरे धीरे जो मतदान की प्रतिशत है उस पर कहीं ना कहीं कम देखा गया। अगर मैं 5 बजे की बात करूँ तो 60.5% यहाँ पर अभी बिलासपुर में मतदान हुआ है। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करूँ, 2014 की बात करूँ तो 63.1% हुआ था, 2019 की बात करें तो 64.36% हुआ था। इसके अलावा अगर 2024 की बात करें तो अभी तक के 60.5% हुआ है। ये माना जा रहा है कि हर बार 1-1.5% जो मतदान वोट प्रतिशत है वो बिलासपुर का बढ़ा है। उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी 6 बजे का जो वोटिंग परसेंट जो लिस्ट है वो अभी नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी भी 1-1.5% जो वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अब चुनाव की बात करते हैं इस पूरे कांग्रेस बीजेपी की, तो भाजपा यहां पर तोखन साहू को मैदान में उतारी थी। जातिगत समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने भी यही पैतरा अपनाया और रणनीति बनाई कि यहां से भी ओबीसी कार्ड खेला जाए, और यही वजह है कि देवेंद्र यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था। दुर्ग भिलाई के वो विधायक है और यहां से उनको मैदान पर उतारा गया था। तो दोनों ही पार्टियों के जो नेता है वो जनता के बीच पहुंचे, उनके मुद्दे, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुनी और अपने मुद्दों को भी जनता के बीच रखा। अब देखना यह होगा कि जो वोटर्स हैं उन्होंने तो ईवीएम में वोट कैद कर दिया, लेकिन अब देखना यह होगा कि 4 तारीख को जो परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में होगा। हालांकि दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था। जी ललित जी, जी जी, वाकई ताकत के साथ चुनाव लड़ा था, और जो स्थितियां इस बीच बनी बहुत दिलचस्प वो रही। रायपुर का हमें रुख करना होगा, बहुत दिलचस्प ये सीट है। आज जो महानायकत्व आप देखते हैं, एक करिश्माई नेता आप देखते हैं,
एक दौर वो भी था कि जब ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे तो ब्रजमोहन अग्रवाल के समर्थक जो है वो मारपीट तक पर आमादा हो जाया करते थे। ये इतिहास है, वर्तमान कितना बदल गया देखिए। तनु, क्या कुछ अपडेट आपके पास, किस सीट को लेकर अपडेट आप हमारे दर्शकों से साझा कर रही हैं? मेरा ख्याल रायपुर। तनु, जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ है और तीसरे चरण में टोटल 168 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान पर हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक शाम 5 बजे तक राजधानी रायपुर में 61.25% मतदान जो है हुआ है। और अब रायपुर लोकसभा सीट की हम बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट में करीब 3 दशकों से भाजपा का कब्जा रहा है और इस सीट पर भाजपा ने 8 बार के विधायक रहे ब्रिजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने 1 बार के विधायक विकास उपाध्याय पर दांव जो है वो खेला है। ऐसे में रायपुर लोकसभा सीट जो है वो भाजपा की गढ़ मानी जाती है, ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां पर जीत जो है वो बड़ी चुनौती है। हालांकि विकास उपाध्याय ने भी रायपुर लोकसभा सीट पर जीत के लिए काफी मेहनत किया है, तमाम तरह के हर बूथ लेवल पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। इसके साथ ही ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है मोदी की गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं, साथ ही वर्तमान सरकार के आने से क्या कुछ फायदा आम जनता को होगा इसकी जानकारी उन्होंने जनता तक पहुंच कर दी है। वहीं रायपुर की हम बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट पर पिछले बार भी 66% कुछ मतदान जो है हुआ था और इस बार भी शाम 5 बजे के आंकड़े के मुताबिक 61.25% मतदान जो है यहां पर हुआ है। ऐसे में कुछ खास अंतर पिछली बार और इस बार के परसेंटेज में जो है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कलेक्टर के द्वारा और पूरे चुनाव आयोग के द्वारा वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए 1 घंटे समय की अवधि भी जो है वो बढ़ाई गई थी और तमाम तरह के अभियान भी यहां पर चलाए गए थे, लेकिन इसका कुछ खास नजर ललित नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, खास नजर नहीं आया, बहुत धीमी रफ्तार थी रायपुर और भोपाल, बहुत ही धीमी रफ्तार से, इसे चलना तो नहीं कहते, रेंग रहे थे यहाँ के आंकड़े। कोरबा की भी जरा बात कर ली जाए, ये महंत की भी जगह है और ये अनोखी रिकॉर्डधारी जो नेता है सरोज पांडे, उनका भी क्षेत्र इस बार था। क्या कुछ अपडेट आकाश आपको नजर आ रहे होंगे, आकाश क्या कह रहा है कोरबा, वोटिंग के लिहाज से भी, मुद्दों के लिहाज से भी, नेताओं के लिहाज से भी? जी देखिए, कोरबा में सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत के बीच सीधे टक्कर थी और ये मुद्दे काफ़ी तमाम नज़र आए क्योंकि कोरबा का विकास नहीं हुआ, जिस तरीके से जनता उपेक्षा का आरोप लगातार लगाते रही। ज्योत्सना महंत वहां से सांसद रही है, इसके बाद उन्हें टिकट दिया गया और सरोज पांडे के सीधे आमने सामने थे। यहाँ पर मोदी की गारंटी की बात सामने आ रही थी, जिस तरीके से विष्णुदेव की सरकार 4 महीने में काम किया, आवाज़ दी है, महतारी वन्नत योजना का देख लीजिए, तो ये लगातार एक चर्चा का विषय रहा है। सरोज पांडे प्रचार के दौरान भी जो है वो उन मुद्दों को भुनाती नजर आई। वहीं ज्योत्सना महंत जो है वो प्रचार के दौरान लगातार भाजपा पर आरोप लगाती रही कि किसी तरीके से भाजपा सरकार ने काम नहीं हुआ, तो तमाम आरोप प्रत्यारोप और मुद्दों के बीच लगातार जो है चुनाव के दौरान प्रचार करते नजर आए। और आज जो वोटिंग का समय था उस समय जो प्रत्याशी थे वो बूथ में जा रहे थे, मिल रहे थे लोगों से और वोट की अपील करते दिखे। कारण ये भी था कि 70% से अधिक मतदान जो है वो कोरबा में 5 बजे तक के हुआ है और देखे तो एक तरीके से लोग विकास पर वोट देना चाहते हैं, तमाम तरीके से दावे नेता करते हैं, दोनों पार्टियां दावे करते दिखी, लेकिन जनता उसे चाहती है जो विकास पे बात करे। जी जी जी, जनता उसे चाहती है जो विकास को लेकर बात करे। आप सभी लोग, तमाम लोग जो हमारे साथ हैं वो लगातार बने रहिएगा, कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाएं भी आगे हम अपने सहयोगियों से करेंगे जो लगातार मैदान में, जिन्होंने हर चीज को बहुत करीब से देखा है। और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।